अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम ओजेनेसिस पढ़ेंगे, जो कि एमडी कैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ बेसिक्स एमसीक्यूज आपके पास आएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और यहाँ इस ओजेनेसिस के प्रोसेस को जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका सारा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये प्रोसेस कम्प्लीट हो रहा है। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ओजेनेसिस हम किसे कहते हैं। सिंपल से लफ्ज़ों में फीमेल के बॉडी के अंदर ओवम बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओजेनेसिस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम कॉल्ड ओजेनेसिस। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि फीमेल के बॉडी के अंदर जो ओवम बनने का प्रोसेस है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है 1 मंथ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 1 मंथ। यानी कि 1 मंथ में एक ओवम तैयार होता है फीमेल के बॉडी के अंदर। तो आए चले हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम इस डायग्राम से देख लेते हैं, फिर कुछ हम ओवरी को भी देख लेंगे कि कौन से हार्मोन आकर एक्ट करते हैं जिसकी वजह से ओजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और एंड होता है। देखिए, सबसे पहले फीमेल के बॉडी के अंदर भी जर्म सेल मौजूद होते हैं, यानी कि इसकी ओवरी है, यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, 46। इंसान के हर एक सेल के अंदर क्रोमोजोम्स 46 होते हैं। अब ये जो जर्म सेल है ना, जर्म सेल सबसे पहले परफॉर्म करता है माइटोसिस, और हम जानते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है, ये जो एक सेल है ना दो सेलों में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, मैंने एक ही सेल बनाया, मैं ये दूसरा सेल भी आप बना सकते हैं लेकिन मैं नहीं बना रहा, ठीक है, ताकि हम इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकें। तो सबसे पहले जर्म सेल ने माइटोसिस परफॉर्म किया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एक नए सेल में जिसको हम कहते हैं ओगोनियम, जिसे हम क्या कहते हैं, ओगोनियम। और अगेन माइटोसिस में हम जानते हैं नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रहते हैं, तो इसमें भी 46 क्रोमोजोम है और इसमें भी 46। अब ये जो ओगोनियम बना, ये ओगोनियम अगेन माइटोसिस परफॉर्म करके डिवाइड हो जाएगा किसमें, प्राइमरी ओसाइट में। इसमें डिवाइड हो जाएगा प्राइमरी। अच्छा, यहां पर भी दो ही सेल बनेंगे लेकिन मैं एक से ही कंटिन्यू करता हूं। अब ये जो प्राइमरी ओसाइट बना है ना, ये प्राइमरी ओसाइट अब जाकर स्टार्ट करेगा मियोसिस परफॉर्म करना। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि जर्म सेल माइटोसिस परफॉर्म करके ओगोनियम में कन्वर्ट हुआ, ओगोनियम ने माइटोसिस परफॉर्म किया और वो प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हुआ। अब प्राइमरी ओसाइट मियोसिस परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो हमें पता है कि मियोसिस के दो स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जैसे ये जो सेल है ना प्राइमरी ओसाइट मियोसिस 1 परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो वो प्रोफेज वाले स्टेज पर, मियोसिस 1 के प्रोफेज स्टेज पर आकर रुक जाएगा। यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं कि प्रोफेज स्टेज पर आकर ये क्या हो गया, रुक गया, रेस्ट हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब यहां तक जो काम हुआ है ना, जितना मैंने बताया है, ये फीमेल के बॉडी के अंदर उस वक्त होता है जब फीमेल खुद अपने मदर के बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। यानी कि फीमेल खुद अपने मदर के बॉडी के अंदर है तो मदर के बॉडी के अंदर ही उसके बॉडी के अंदर ये सारा काम हो जाता है। अब लेट सपोज फीमेल की बर्थ हो गई। अब फीमेल आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है, ऑलमोस्ट वो प्यूबर्टी एज तक पहुंच गई, 13 ईयर्स ऑफ एज तक पहुंच गई। तो जैसी 13 ईयर्स ऑफ एज तक पहुंचेगी तो ये जो प्रोफेज पर जो अरेस्ट लगा हुआ था ना, यानी कि उस स्टेज पर ये प्राइमरी ओसाइट रुका हुआ था, अब ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होता है, याद रखिएगा, दो सेल में। अच्छा, इस बड़े वाले सेल को हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट, और ये जो छोटा सा सेल बना है ना इसे हम कहते हैं पोलर बॉडी। जो कि छोटा होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म कम होते हैं, सारे मटेरियल्स ऑलमोस्ट इसके अंदर होते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी ओसाइट। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि मियोसिस वन के दौरान ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हाफ हो जाते हैं, तो 23 क्रोमोजोम्स इसके अंदर आ गए और 23 क्रोमोजोम इसके अंदर आ गए। आई थिंक ये स्टेप आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसको दोबारा अच्छी तरह समझ लें कि जब फीमेल खुद अपने मदर के बॉडी के अंदर है तो प्राइमरी ओसाइट मियोसिस 1 परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन प्रोफेज वाले स्टेज पर आकर ये रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। अब फीमेल की बर्थ हो गई, अब फीमेल आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होकर प्यूबर्टी एज पर पहुंची तो ये जो प्रोफेज रुका हुआ था ना ये स्टार्ट हो जाता है और फाइनली मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और एक सेल ये दो में डिवाइड। और मियोसिस 1 में हम जानते हैं कि एक सेल दो में डिवाइड होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स इसमें आ जाएंगे, 23 इसमें। लेकिन बस ये कि फर्क ये है कि एक छोटा सेल बनता है फीमेल के अंदर और एक बड़ा सेल। बड़े वाले को हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट और छोटे वाले को हम कहते हैं पोलर बॉडी।
अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो सारा काम हो रहा है ना फीमेल के बॉडी के अंदर उस वक्त हो रहा है जब वो कौन से स्टेज पर है, प्यूबर्टी स्टेज पर। अब ये जो सेकेंडरी ओसाइड है ना ये मियोसिस टू परफॉर्म करना स्टार्ट करेगी। अब सेकेंडरी ओसाइड जैसे ही मियोसिस टू परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो ये जैसे ही मियोसिस टू के मेटाफेज स्टेज पर आता है तो यहां पर आकर ये क्या हो जाता है, अरेस्ट। यानी कि अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ मेटाफेज टू का। अब मेटाफेज टू पर ये रुक गया, अरेस्ट हो गया है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना सेकेंडरी ओसाइड, ये ओव्यूलेट होता है, यानी कि ओव्यूलेशन होता है, यानी कि फीमेल की ओवरी से बाहर निकलकर ओविडक्ट में चला जाता है। अब ओविडक्ट में आ गया ये, जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी ओसाइड के साथ अटैच होता है तो अटैच होने के बाद ये जो सेकेंडरी ओसाइड मेटाफेज पर रुका हुआ था ना ये अपने प्रोसेस को कंप्लीट करता है और फाइनली ये भी डिवाइड हो जाता है, छोटे से स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है और एक बड़े से स्ट्रक्चर में। इस बड़े वाले को हम कहते हैं जाइगोट या फर्टिलाइज्ड है, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। कैसे हुए 46? 23 तो इसके अपने क्रोमोसोम्स हैं और स्पर्म्स हैं 23 क्रोमोसोम, तो 23 23 मिलकर 46 हो गए, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम आया। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे जाइगोट। अब ये जाइगोट फीमेल के बॉडी के अंदर यूटरस में इम्प्लांट करेगा और मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है पूरा 9 मंथ्स तक चलता रहेगा। अब ये जो छोटी सी बॉडी बनी है दैट इज पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी किसी काम की नहीं होती, साइटोप्लाज्म कम है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये वाली जो पोलर बॉडी है जिस तरह ये 2 सेलों में डिवाइड हुआ तो ये भी 2 सेलों में डिवाइड होंगे मियोसिस टू में, छोटे छोटे से सेलों में, और ये भी किसी काम के नहीं होते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा क्लियर, कि मियोसिस टू किस तरह परफॉर्म हुआ, कि मेटाफेज पर रुका हुआ था मियोसिस टू। जैसे ही स्पर्म आकर सेकेंडरी ओसाइट से जुड़ता है तो मियोसिस टू कंप्लीट होता है, ये 2 में डिवाइड हो जाता है। जो बड़ा वाला है जिसके अंदर 46 क्रोमोजोम आया वो जायगोट है और छोटे वाले को हम क्या कहेंगे, पोलर बॉडी। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस को हम साइड व्यू से आते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले देखें ओवरी के अंदर जो ऊसाइट है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी ऊसाइट, ये तो हमने एक पढ़ा ना, प्राइमरी ऊसाइट कितने होते हैं 2 लाख, 2 लाख में से मिच्योर कितने होते हैं 450। अब सवाल ये कि मिच्योर कराएगा कौन? देखिए हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या है कि भाई हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आ गया हार्मोन। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये पिचोटरी ग्लैंड को जाकर क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो पिचोटरी ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट होगा ना तो पिचोटरी ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक को हम कहते हैं FSH और एक को हम कहते हैं LH, यानी कि फॉलिकल स्टोमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सबसे पहले ये जो फॉलिकल स्टोमुलेटिंग हार्मोन है ना ये आता है, इतने प्राइमरी ओसाइट है 2 लाख, 2 लाख में से ये एक एक करके मेच्योर करवाएगा। लेट सपोज एक मंथ में कोई एक मेच्योर हुआ, लेट सपोज ये वाला मेच्योर होना स्टार्ट हो रहा है, पहले ये ऐसा था, इसके बाहर वाले सेल को यानी कि ग्रीन वाला प्राइमरी ओसाइट है, बाहर जो रेड्स है वो फॉलिकल सेल्स हैं। अब जैसे ही FSH ने इसको एक्टिवेट किया तो इसके जो साइड वाले सेल्स है ना फॉलिकल सेल्स, ये ग्रोइंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब ग्रो करते करते ये पूरा मेच्योर हो गया, तो मेच्योर करवाया किसने, FSH ने। अब बारी किसकी है, LH की, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करता है कि ये जो मेच्योर हुआ है इसको फाड़ता है, बस्ट करता है, ये प्राइमरी ओसाइट बाहर निकल जाता है और बाहर निकल कर कहाँ चला जाता है, ओविडक्ट में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन में मैंने आपको बताया स्पर्म आता है, मिलता है तो जाइगोट वगैरह बनता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर 2 हार्मोन्स की इन्वॉल्वमेंट थी। FSH क्या करेगा, किसी एक को मेच्योर करवाएगा और LH क्या करेगा, फाड़कर ओवम को बाहर निकालेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन। आई थिंक ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।